जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नई अपनी आ चुकी है। मैंने पहले बोला था कि नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी, तो बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि आपको कैसे पता नवंबर में आ जाएगी, ऑफिशियल रूप से कोई न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन आपको बता दूं, वैकेंसी आ चुकी है और विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। पहले जो विज्ञप्ति यानी नोटिस जारी हुआ था उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो उसके बाद एक नया यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है और आपकी जो पद है, पोस्ट है, वो भी थोड़ी बहुत बढ़ाई गई है। यानी 4588 पदों पर शायद आपकी इस बार है वो पोस्ट आई है, तो बहुत थोड़ी बहुत अच्छी पोस्ट भी है। हालांकि उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको तैयारी करना है। अब यहाँ पर आप सभी साथियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि आजकल सर क्लास क्यों नहीं चल रही है, तो दोस्तों बता दूं कि जीवन में कभी कभार उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, आप देख सकते हैं, और हॉस्पिटल में होने का रीज़न यही है कि जो मम्मी है उनके दोनों घुटनों में ऑपरेशन हुआ है, दोनों पैरों में ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मुझे और यहाँ रहना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कत है जयपुर में। और इसके अलावा यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो डाउट है आपके, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो मेरिट है वो जिला स्तर की बढ़ेगी या राज्य स्तरीय बढ़ेगी, ये यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि आपकी जो मेरिट है, जो फॉरम है, वो यहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी प्रत्येक ज़िले वाइज अलग अलग फॉरम भरे जाएंगे, ये यहाँ पर निश्चित है। तो आपकी जो मेरिट है वो ऐसा कहीं पर भी नहीं है, और आज न्यूज़पेपर में आया कि जिला स्तरीय मेरिट बनेगी, राज्य स्तरीय आपकी एक मेरिट नहीं बनेगी, प्रत्येक जिले वाइज अलग अलग यहाँ पर मेरिट बनेगी। परीक्षा है वो आपकी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन आपकी परीक्षा नहीं होगी, जो पिछली बार हुई थी वैसे ही होगी। और प्रश्न है थोड़ा बहुत वो भी है, सेम पैटर्न है, कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं हुआ है सिलेबस वगैरह। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि फॉर्म कहाँ से भरे। देखो फॉर्म ऐसा नहीं कि मैं बता दूँ आप यहाँ से फॉर्म भरो, फिर यहाँ पर मान लो कि 10-20 हज़ार विद्यार्थी देख रहे हैं तो सारे वहीं से भर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से भर दो। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारे ज़िले से कोई पोस्ट ही नहीं है, यदि आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई पोस्ट नहीं है तो आप किसी अन्य दूसरे ज़िले से आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ज़िले से आवेदन कर सकते हैं। तो आप जहाँ आपको लगता है कि कोई अच्छी पोस्ट है कहाँ पर, और या आप कॉन्स्टेबल में, ड्राइवर में, RAC में, जहाँ भी आप आवेदन करना चाहते हैं, ऑफिशियल विज्ञप्ति में आप देखें कहाँ से कितनी पोस्ट है और आप आवेदन वहाँ से कर दें। फिर भी आप यदि जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं कि कहाँ से आवेदन करना है, क्योंकि कोई विद्यार्थी पहली बार आवेदन कर रहा है तो उसको पता नहीं है कि कैसे आवेदन किया जाता है कॉन्स्टेबल में, तो इसके अंदर, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो अलग अलग ज़िले वाइज बनेगी, तो आपको दिक्कत वहाँ पर हो सकती है। बाद में मेरिट ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि कहीं पर 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है और कहीं पर यहाँ पर 60 नंबर वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो पिछली बार जो 75 की मेरिट बनती थी, तो इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर इसका फॉरम है, तो फॉरम तो आप सभी को पता है कि 10 तारीख से स्टार्ट है और 3 दिसंबर तक आपके फॉरम चलेंगे, महीना भर, एक महीना भर आपको फॉरम भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, फॉरम भरने के 45 दिन बाद, फॉरम भरने के 45 दिन बाद आपका कभी भी पेपर करवाया जा सकता है। तो 3 दिसंबर के 45 दिन बाद यानी कि जनवरी लास्ट में आपका पेपर करवाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है कि आपका जनवरी लास्ट में पेपर होगा। जनवरी लास्ट में या फरवरी में हम मानकर चलें कि जनवरी लास्ट में या फरवरी में अपना पेपर होगा। इस बार न्यूज़पेपर में आया है कि सबसे पहली बार ऐसी राजस्थान पुलिस में ये वैकेंसी कॉन्स्टेबल की पहली बार आई है जिसमें इतना जल्दी पेपर करवाया जा रहा है, अतः आप सभी साथी तैयारी करें। अब यहाँ पर डाउट है कि इतने कम समय में, 3 महीने में हम तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि ये महीना तो अपना चला गया, अब नवंबर दिसंबर बचा है और जनवरी बची है, तो इस 2.5-3 महीने में हम तैयारी कैसे करें। तो आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी पिछली बार भर्ती में रह चुके हैं या लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा इंडिया का करण जी की क्रोनोलॉजी की बुक आती है वहाँ से पढ़ें, राजस्थान का करण जी के भी पढ़ें, मार्केट में क्रोनोलॉजी की बुक आती है उसमें आप पढ़ें, उन पर आप विश्वास करें, मैं ये आपको कहना चाहूँगा। क्योंकि जो पिछला RS का पेपर है, चाहे पटवार का पेपर है, जो मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि करंट के प्रश्न कहाँ से पूछे गए, तो आप वो क्रोनोलॉजी की बुक लेके आ जाएं मार्केट से, मंथली भी आती है वो भी लेके आ जाएं, पुराना लेके तो आप 1 साल की पुरानी लेके आ जाएं, क्योंकि 1.5-2 साल पुराना यहाँ पर करंट जी की पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। RS में भी सबसे ज़्यादा पूछा गया, पटवार में भी करंट जी की बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा यदि आप शामिल बुक लेके आना चाहते हो कि भाई एक ही बुक हम लेके आना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य की बुक लेके आ जाएं, लक्ष्य राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राय की भी आती है, उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस आपका मिल जाएगा। ज़्यादा फोकस किस में करें, तो सभी में करना है, ज़्यादा फोकस उसमें करना है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत कमजोरी है। जैसे पिछली बार कंप्यूटर आ गया था 30%, इस बार भी कंप्यूटर के 30% आएंगे, तो कंप्यूटर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो उनका कमज़ोर है, तो आप कंप्यूटर पर थोड़ा ध्यान दें। पूरा सिलेबस हमने भी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है, वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो देख लेना पहले वाले वो डाल रखें। और इसके अलावा आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें। यदि आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं कहीं से तो ऑनलाइन, तो आपको यदि कम समय में 2-2.5 महीने में पूरा कोर्स करना है तो आप अनअकैडमी से कोर्स ले लें। मैं कोई प्रचार प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको राय दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। यदि मेरी आप मानते हो तो अनअकैडमी से आप ले लेना,
उसके अंदर आपको क्या है कि 2-2.5 महीने में पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा और अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आधा अधूरा करवाया जाएगा, पूरा आपको कोर्स करवाया जाएगा कम समय में। क्योंकि बाकी मैंने कई जगह ऐसे प्लेटफॉर्म में देखा है जहाँ पर पूरा कोर्स नहीं मिलता है, पूरा यदि मिल भी जाता है तो उसके अंदर वैसा आप डिटेल से पढ़ना पड़ता है, 5-6 महीने लग जाते हैं क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस है। अतः आप लक्ष्य वगैरह की कोई बुक लेके आ जाएं और उनसे पढ़ ले, 2.5-3 महीने में आराम से पढ़ लोगे। अब यदि 2.5 महीने में कम से कम 8-10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन पाना है और यदि आप तैयारी कर रहे हो। और वैसे है जो विद्यार्थी लंबे टाइम से जिनकी तैयारी चल रही है, पटवार का भी एग्ज़ाम दिया है, आरएस का भी दिया है, पिछली कांस्टेबल का दिया है, तो उनको तो सिर्फ ओनली फॉर रिवीजन ही करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।